अफगानिस्तान। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, आपने पता नहीं हिंदुस्तान के अंदर जो आजकल कोरोना के हालात हैं वो देखे हैं या नहीं? ज़रूर देखें। मीडिया के ऊपर आ रहा है, टीवी के ऊपर आ रहा है कि वहाँ किस तरह ऑक्सीजन की कमी हुई है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, कई बेचारे मरीज़ हॉस्पिटल जाते ही नहीं हैं और वो सड़कों पे मर जाते हैं। और जिस तरह यानी वहाँ कोरोना के हालात हैं, मैं आप सबको आज अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमने अब एहतियात ना की, चंद दिनों में, हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा दो हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले हैं। इस वक्त हमारे अस्पताल सिर्फ इसलिए उस वो हालात नहीं हुए जो हिंदुस्तान में हैं, क्योंकि हमने एक साल पहले अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ा दी थी। अगर ये पिछले साल वाला हालात होते, यानी हमारे हॉस्पिटल में उतनी कैपेसिटी होती जो एक साल पहले थी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज आप जो हिंदुस्तान में हालात हैं वो आज पाकिस्तान में देख रहे होते। लेकिन जिस तरह की जो हम देख रहे हैं ट्रेंड ऊपर जा रही है, जिस तरह का ये जो तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना के केसेस, तो मैं आज सिर्फ आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी करके ये जो SOPs हैं, ये जो हम बार बार कहते हैं और अब लोग इसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं देते, ये जो मास्क है सबसे पहले तो इसको अगर आप पहनेंगे, आधा आपका मसला यहाँ हल हो जाता है। और अगर आप सब ये अब से लेके ईद तक अगर SOPs के ऊपर चलेंगे, तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं, यानी कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर हमारे भी वही हालात हो गए जो हिंदुस्तान के हैं, तो इस कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर, और हम वो नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया का तजर्बा ये है कि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो जो सबसे कमज़ोर और गरीब तबका है वो पिस जाता है। तो इसलिए मुझे तो आज कह रहे हैं लोग कि लॉकडाउन कर दो, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ कि जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, जो 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 मजदूर हैं, जो जो बेचारा तबका कमाता है तो बच्चे खाते हैं, वो सबसे पहले मुतासर होगा। इसलिए हम अभी रुके हुए हैं, लेकिन मैं कितनी देर हम ये रोक सकते हैं लॉकडाउन से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आज से एहतियात करें जिस तरह एक साल पहले आपने की थी, एक साल पहले जब पिछली रमज़ान आई, वाहिद मुल्क था पाकिस्तान जिसने मस्जिदों को बंद नहीं किया, लेकिन मुझे बड़ा फख्र था कि जिस तरह हमारे उलमा ने, जिस तरह उन्होंने लोगों को बताया, जिस तरह इमाम मस्जिद ने लोगों को SOPs पे फॉलो करवाया, पाकिस्तान बच गया, हमें कोई मस्जिदों से कोरोना फैला नहीं। उसी तरह आज अगर आप उसी तरह एहतियात करें, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कोई एहतियात इस वक्त नहीं कर रहा, कोई SOPs के ऊपर नहीं चल रहा, बहुत कम लोग चल रहे हैं, इससे बहुत बड़े खतरे का अब हमें सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह अगर हमने एहतियात ना की, हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, हमारी मईशत जो कि अल्लाह का करम से इस वक्त ऊपर जा रही है, उसको नुकसान पहुंचेगा, दुकानदारों को नुकसान पहुंचेगा, फैक्ट्रीज़ को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान बेचारे गरीब लोगों को पहुंचेगा। तो मैं यहाँ हमारे जो NCOC में असद उमर जो हर रोज़ इसको मॉनिटर करते हैं, डॉक्टर फैसल हैं जो कि मेडिकल ओपिनियन देते हैं, मैं चाहूँगा कि इनसे ये आपसे मुख्तसर बात करें और आपको समझाएं कि हम किधर खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए, और अगर हमने एहतियात ना की तो ये मुल्क किधर जाएगा। कि मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को भी कहा हुआ है कि वो अब SOPs को अमल में लाने के लिए वो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी पुलिस के साथ वो अब सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि हम अब तक कहते रहे हैं लोगों को कि SOPs पे चलो, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई एहतियात कर रहे हैं,
और इसी की वजह से ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो अब से मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को कहा कि वो भी आके हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करें। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भी लोग कहते हैं कि जी वैक्सीन पाकिस्तान में और ज़्यादा हमें करनी चाहिए और दुनिया का मसाले दे रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो जो मुल्क इस वक्त दे सकते हैं, जिनके पास एक्सेस है। पहले तो हिंदुस्तान ने इंटरनेशनली फैसला हुआ था कि हिंदुस्तान ने, क्योंकि सबसे दुनिया में दूसरे नंबर पे वो वैक्सीन बनाता है, लेकिन बदकिस्मती से उनके इतने बुरे हालात हैं कि वो अब किसी को नहीं दे रहा है स्वाय अपने मुल्क में, और उन्होंने शायद दो तीन मुल्कों को शुरू में दिए थे। चाइना से हमने मांगी हुई है वैक्सीन, लेकिन उनके ऊपर भी इतनी इस वक्त डिमांड आई हुई है। बाकी दुनिया में सारी जगह शॉर्टेज है। तो ये मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन अगर आज हमारे पास आ भी जाती है, फिर भी ये एक साल लगेगा इसका इम्पैक्ट पड़ने पे, कि आज से हम टीके लगाने शुरू भी करें तो ये नीचे आने में टाइम लगेगा। जिससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा वो जो हम SOPs की बात करते हैं, एहतियात की बात करते हैं। और मैं फिर से आखिर में ये कहूँगा कि जो सबसे बड़ी एहतियात है, जब ये मास्क पहन लेते हैं तो आधा मसला इधर हल हो जाता है। और जब भी आप अंदर, तो ख़ास तौर पर कमरों में जब बैठें, सबको मास्क पहनने की हिदायत। और अब हम इन्फोर्स करेंगे, यानी अब हम इसके ऊपर पूरी तरह जोर लगाएंगे, हमारी पुलिस और पुलिस की मदद करेगी पाकिस्तानी फौज। मैं आखिर में ये उम्मीद रखता हूँ कि आप अपनी एहतियात की वजह से ये जो वबा की जो कर्व ऊपर जा रही है इसको रोकेंगे, क्योंकि जब तक कौम मिल के नहीं इसके साथ मुकाबला करेगी, हम ये इससे नहीं जीत सकते। और पिछली बारी मुझे एक साल, आज से एक साल याद है, रमज़ान से पहले जिस तरह कौम ने SOPs पे अमल किया, शायद तब लोगों को ज़्यादा खौफ था इससे, और एक साल के अंदर लोग थक भी गए हैं, फटीक भी आ गई है शायद इस वजह से, लेकिन उस टाइम में और इस टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब बिल्कुल SOPs पे पिछले बारी के मुकाबले में शायद ही कोई अब अमल कर रहा है, लिहाजा अब हमें सख्ती करेंगे। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप SOPs पे चलेंगे तो हमें फिर वो जो सबसे खौफनाक चीज़ है, शहरों का लॉकडाउन, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। शुक्रिया। अब बिल्कुल SOPs पे पिछले बारी के मुकाबले में शायद ही कोई अब अमल कर रहा है, लिहाजा अब हमें सख्ती करेंगे। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप ऐसा